नमस्कार। बीए थर्ड ईयर थ्योरी पेपर फर्स्ट म्यूजिक यूनिट फर्स्ट है। आज का टॉपिक है ताल झूमरा। ताल झूमरा का आज ठाकिल निर्धारित करके दुगुण तिगुण करेंगे। तो ठाकिल के बारे में पहले की ताल के बारे में बता, जो पहले की ताल में बताया गया था उसमें बताया गया था ठाकिल क्या होती है। तो ये 14 मात्रा की ताल है, चार भाग है। देख 14 मात्रा चार भाग, 1 2 3 4। तो मात्राओं का क्रम है, यहाँ लिख लेते हैं मात्रा क्रम है इसका 3 4 3 4, 3 4 7 8 10 4 14, 14 मात्रा हो गए। 14 मात्रा इसके बोल है, धिन धिन नक धिन धिन धागे त्रिकिट, तीन तीन नक धिन धिन धागे त्रिकिट। तो ठाकी लय से हम इसका इसमें गिनेंगे, धिन धिन नक धिन धिन धागे त्रिकिट, तीन तीन नक धिन धिन धागे तेरे किट धिन। ये वापस एक आवर्तन, 14 मात्रा का आवर्तन है। तो ये आवर्तन चलता रहता है जैसे पहले बताया जा चुका है। तो ये तो होगी इसकी ठाकिल। अब उसी लय का दुगुना कर देंगे। तो सबसे पहले दुगुन करते हैं तो पूरे आवर्तन को दो बार लिख देंगे। तो दो बार लिख दिए और दो दो मात्राओं को एक मात्रा में सेट करेंगे। ये एक मात्रा का उग्रह है, तो इसमें दो मात्राएं पूरे को लिख के तो 14 मात्रा हो जाती है। 14 को दो दो के भाग कर देंगे। ये करने के बाद इनको चार विभाग में बांट देंगे। जैसे क्रम था मात्रा क्रम, वैसे विभागों में पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, तीसरे का हिस्सा है चौथा विभाग। तो 14 × 28 मात्राओं को 14 मात्रा में, ये 28 बोलों को 14 मात्रा में सेट करना है। तो ये प्रत्येक विभाग प्रत्येक उपग्रह में जो एक मात्रा का हिस्सा है इसमें दो दो मात्राएं रख दी, दो दो मात्राएं, और ये लिख लिया। तो ये हो गए दुगुन। इसको हम सम से भी शुरू कर सकते हैं और आठ मात्रा से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर दुगुन की लय कार्य करनी हो तो 8 मात्रा से शुरू करेंगे इसको। तो दुगुण करने हो तो हम 14 में 2 का भाग देंगे, तो 7, तो 7वीं मात्रा के बाद 8, तो 8वीं मात्रा शुरू होंगे। तो इसको ऐसे पहचानने के लिए ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे पूरे को लिख लेंगे, पूरे आवर्तन को लिख लेंगे 14 मात्रा के बोल और बोलों को लिख लेंगे 14 मात्रा के बोल को, और उनको पीछे से हम दो दो मात्राओं को रख लेंगे। एक एक मात्रा में दो दो बोल रख लिए, दो दो मात्राओं को। तो ये एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, 4 5 6 7, ये रखने के बाद पीछे से लिख देंगे 14 13 12 11 10 9 10 9। तो पीछे से लिख देंगे इसको 14, ये एक मात्रा है, एक मात्रा में दो मात्राओं को बोल रख दिए गए। जैसे ये पीछे से, ये एक मात्रा है, दो ये भी एक मात्रा है। तो एक मात्रा में बोल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये ऐसे उग्र लगा देंगे तो सोच रहे हैं कि जैसे 13वीं मात्रा में धागे, तो ये एक मात्रा का वजन, धागे को एक मात्रा वजन बोलना है, और त्रिकिट जो चार शब्द है उसको भी एक मात्रा का वजन बोलना। तो इस प्रकार इसको पीछे से दो दो मात्राओं को एक एक मात्रा रख लेंगे, और ये पूरे 14 मात्रा, ये दोनों, ये 13 12 11 10 9 8। तो इसकी लय कार्य शुरू करने के लिए हमें 8 मात्रा शुरू होगा। तो 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 मात्रा बाद दो गुना। जैसे धिन धिन नक
धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन नक धिन धागे तिरकिट, तिन तिन नक धिन धिन धागे तिरकिट धिन। दोबारा करेंगे, पहले वाले में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। धिन धिन नक धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन नक धिन धिन धागे तिरकिट, तिन तिन नक धिन धिन धागे तिरकिट धिन। धिन नक धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन नक धिन धिन धागे तिरकिट, तिन तिन नक धिन धिन धागे तिरकिट धिन। तो ये दुगुन के लय कार्य हो गए। त्रिगुण, त्रिगुण में भी यही है कि पूरे आवर्तन को 3 बार लिख लेंगे, तो 14 तो 42, और 42 मात्रा के बोल हो गए, तो इन 42 को बोलों को 3-3 बांट लेंगे, तो 14 मात्रा में 3-3 हिस्सा आ जाएगा। तो एक मात्रा में 3 बोल आ गए, 3 मात्रा के बोल आ गए एक में। जैसे दुगुन का स्थान या लयकारी डायरेक्ट ये करते हैं, क्योंकि त्रिगुण के लिखना पहले की वीडियोस में बताया जा चुका है। 14 मात्रा में जैसे दीपचंदी है, सेम उसी से मिलता जुलता ताल है, सिर्फ बोलम डिफरेंट, वजन मात्रा क्रम सेम है, मात्राओं का भाग सेम है। तो इसका स्थान निर्धारण करने के लिए हम पूरे आवर्तन को लिख लिया। ये एक एक मात्रा के बोल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम त्रिगुण के लिए करें तो पूरा आवर्तन लिख लिया, उसके बाद पीछे से एक मात्रा हम 3-3 मात्राओं के बोल रख देंगे। तो ये एक मात्रा, इसमें 1 2 3 तीन मात्रा आ गई, एक मात्रा हम 3 मात्राएं बोल लेंगे, 1 2 3। ये 1 2 3 इधर से 1 2 3, क्योंकि इसे इसमें 2 ही बच गए तो इसमें अवग्रह लगा लें। ये हो गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे 14 मात्रा 13 मात्रा 12 मात्रा 11 10, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ी जगह की कमी है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा जाए, पहले बार 3 मात्राएं, 4 3 और ये 4, ये मात्राओं का क्रम है। तो ये जैसे हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसको, दिन दिन नक दिन दिन धागे, ये की मात्रा है तिरकिट, एक मात्रा में 2 बोल, इसमें एक मात्रा 4 बोल, छठी सातवीं मात्रा में। दिन दिन नक दिन दिन धागे तिरकिट, तीन तीन तीन, तो ये सम 2 0 3, ये इसका सेम ऐसे हो गया। तो लयकारी स्थान करने के लिए हम आवर्तनों के लिए करेंगे, और जितने जिस गुण के लयकारी करने उसको पीछे से उतने गुण के एक मात्रा में उतने, जैसे त्रिगुण करने तो एक मात्रा में 3-3 बोल रख दिए। तो इसमें ये इसका मतलब हुआ कि 9 से 1 बटा 3, मतलब 9वीं मात्रा निकलने के बाद 10वीं मात्रा का 1/3 हिस्सा निकलने के बाद त्रिगुण की लयकारी शुरू होगी। तो 9 से 1 बटा 3 मात्रा के बाद शुरू होगी। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, तो
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 15। तो त्रिगुण की काउंटिंग करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, एक दो तीन चार पाँच छ, तो इस सात आठ मतलब नौ मात्रा का पूरी निकल जाएगी। दसवीं का एक उठा तीन हिस्सा निकलने के बाद हम दस बोल के निकलने के बाद दस, तो जो दस बोलेंगे वो एक बटा तीन हिस्से, अगर एक दो बोलेंगे वो उसका बाकी के हिस्से आ जाएंगे। तो ये एक मात्रा तीन बटी हुई है, तो जैसे यहाँ से गिनते हैं नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, सॉरी दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब बोलों को कोशिश करेंगे, धीन धीन नक धीन धीन धागे तीरे किट तीन तीन इन धी धी नक धी धी धागे तिरकिट तीन तीन नक धीन धीन धागे तिरकिट धीन धीन नक धीन धीन धागे तिर किट तीन तीन इन धी धी नक धीन धीन धागे तिरकिट तीन तीन नक धीन धीन धागे तिरकिट धीन धीन। तो ये इस प्रकार त्रिगुण की लय करेंगे। धन्यवाद।